से मिला है उस पे मार, एसी पे, एसी पे मार। किस में रखे हो? क्या आठ बैलें करके फेस पे मार, फेस पे मारना था, फेस पे मार आठ बैलें मार। वाह उसके बाद मैं कैसे लूँगा अपना खेल डाल। हाँ तुझे ही मिल जाएगा, पहले मैं तेरा कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपना सिंगल। तो ये चल चले सर सबसे पहले बताइए आज, सर सबसे पहले बताइए आज कितने हैं सब, कैसे लगे मतलब रेड कलर कोट है ऊपर से आप वॉचेस दिख रही है आज क्या? आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने कलर कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ हो, जब आप प्यार में हो ना, तो आप वैसे भी दमकोगे, वैसे भी खिलोगे, तो शायद प्यार में रहने का राज है। कोर्ट की बात करें तो कोर्ट का सिलेक्शन मैम ने किया कि आपने? ये मेरी फ्रेंड उधर खड़ी हुई है, वो डिज़ाइनर फ्रेंड है मेरी, तो ये इनका सजेशन था और उन्होंने हमें स्टाइल किया है इस मामले में, तो इसका श्रेय तो शेनी सोनी जी को जाता है। ये बिग बॉस वाला स्प्लिट सीला का मिलन कहाँ से? ये हमारे दोस्त की कॉमन पार्टी में हम मिले थे और हम दोनों यही बात करना शुरू करा था कि क्या यार लोग हमें क्या समझते हैं कि जैसा उन्होंने हमें स्क्रीन पे देख लिया हम ऐसा होते हैं। तो मियाँ को भी यही मुझे बता रही थी और फिर हमने काफ़ी ज़्यादा उस दिन एक साथ गुजारा, व्यतीत किया, फिर पता चला कि हम दोनों के अंदर काफ़ी कॉमन फैक्टर है एंड देन दैट्स हाउ वी टुक इट अप फर्दर। डेफिनेटली करा है दैट बहुत अच्छे तरीके से, इन फैक्ट ही हैज इवन गिवन मी रिंग। अब देखते 14 ऑलरेडी ने सब कुछ कर दिया वाले गिफ्ट, एक नहीं या एक गिफ्ट हो तो बताओ या फिर कोई पर्टिकुलर बताओ। प्रपोज करते हो कौन सी, प्रपोज करते कौन सी, कि ये हफ्ते में दो बार तो प्रपोज करते हैं। इज वेरी रोमांटिक, ही लव्स मी सो मच, और जब भी प्रपोज करते हैं कुछ ना कुछ उनका गिफ्ट होता है। तो आज तो आधी चीज़ें खोल के आई हूँ, बाकी इसमें से कुछ देखो, इसमें 3-4 इन्हीं के दिए हुए और ड्रेसेस, ही लव्स टू गिव मी ड्रेसेस बिकॉज वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस। कोई पंचिंग लाइन दी है प्रपोज करते हुए? ही लव्स माई स्माइल। सो यही बोलते हैं मियाँ, आप जब भी मेरे साथ चलोगे, वेदर यू फॉरगेट एवरीथिंग बट डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर स्माइल। खुशी हो या गम हो, लेकिन ज़िंदगी पे हमेशा मुस्कुराहट लेके चलो, किसी सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप पे क्या गुजर रहा है। आपने सर बिग बॉस में वर्क किया है, बिग बॉस 7 में, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा वो? मेरा एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी की बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला। जैसे हम लोग खाने को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे और वहाँ जाके एक एक रोटी, एक एक चम्मच चीनी के लिए तरसते थे, तो वहाँ वापस आके मैंने खाने को वैल्यू करना शुरू करा। और ये भी मालूम चला कि अंदर जाके जो जैसा दिखता वो वैसा होता नहीं है, कैमरे के सामने लोगों के एक नहीं हज़ार मुखौटे होते, मतलब रावण भी कम पड़ जाता है उनके सामने, वो लोग 100 सिर के रावण होते हैं। और आप तभी सर्वाइव कर सकते हो, या तो आप जल्ला दो, या तो आप गालियाँ देते हो, या तो आप स्टीमी और प्रेम स्टीमी सीन्स दो, प्रेम प्रसंग करो, गौहर और कुशाल जैसे आपस में किसेस करते रहो। काफ़ी माना जाता है कि बॉस का जो हाउस है काफ़ी एक जंगल जैसा, वहाँ रूट चला जाता है, मतलब काफ़ी आपको रूट रहना पड़ता है, कभी प्यार करना पड़ता है, कभी रूट रहना पड़ता है, कब कौन कब दोस्ती हो जाए, कब किससे झगड़ा हो जाए, उसका आप क्या मतलब एक स्क्रिप्ट छोड़ी रहती है फिर एज एन सिचुएशन या फिर? नहीं नहीं देखिए, काफ़ी स्क्रिप्टेड 100% तो नहीं होता, ऑफकोर्स आपको पॉइंटर्स मिलते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर आपको खुद नहीं मालूम है कि वहाँ एक घंटे में माहौल कैसे बदलने वाला है, क्योंकि हर इंसान इतना परेशान हो जाता है एक समय के बाद कि कब किसके दिमाग का ज्वालामुखी फूट जाए मालूम नहीं चलता। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कब भिड़ जाओ, कब आप अपने अगल बगल वालों को गालियां निकालने लग जाओ, और अगर आप ऐसा करोगे नहीं तो फिर बिग बॉस देखेगा कौन? आपका भी बेस्ट फ्रेंड हो बिग बॉस? आसिफ बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे एली बहुत पसंद है, प्रत्युषा मेरी पहले से दोस्त थी, मैं प्रत्युषा से भी टच में हूँ, बट ये सारे लोग जेन्युइन थे, काम्या भी ठीक थी। बिग बॉस से कोई अच्छी बात है आपको जो याद आती है?
बिग बॉस ने एक मुझे दूसरा नाम दिया और एक पहचान दी. सलमान सर ने मुझे योगा मास्टर बुलाना शुरू करा था. आई थिंक आधी दुनिया शायद मेरा नाम नहीं जानती है, लेकिन वो मेरा चेहरा पे देख के मुझे योगा मास्टर जैसा जानती है. एंड मुझे बोलती हो आप यही योगा मास्टर होना जब बिग बॉस सीजन 7 में थे. एक अवार्ड फंक्शन में मैं रेखा जी से मिला, रेखा मैडम से. सो मैं उनके पास गया उनको ग्रीट करने के लिए. उनको भी मेरा नाम ध्यान नहीं था. उन्होंने ये बात बोली, ओ तू वही है ना जो बिग बॉस में डॉगी योगा कर रहा था. तो मेरे लिए वो बड़ी गर्व की बात थी कि उन्होंने मुझे पहचाना. तो देखिए बहुत सेंस में तो अच्छाई भी रही. आप जाते हो, चार लोग पहचानते हैं, आप छोटे से शहर मथुरा जयपुर कहीं लखनऊ ट्रैवल कर रहे हो और लोग आपके पास सेल्फी लेने आते हैं, पिक्चर्स खींचते हैं, आपसे चीज़ें जानना चाहते हैं. लेकिन कभी आप मूड में नहीं हो, कभी आप चीज़ें नहीं हो ना, तो आप अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी उनके सामने नहीं दर्शा सकते हो. उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर भी पड़ जाता है. लाइक उसके बाद मैंने कोई रियलिटी शोज़ नहीं किए. मैं जी के साथ थोड़े से मैं बिज़नेस के साथ मैंने योगा शो किया और मैं अपने योगा में ज़्यादा बिजी था. तो एक लोगों के ऊपर प्रियर प्रेशर हो जाता है, एक प्रेशर आ जाता है. फिर दुनिया मीडिया सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक शो कर लिया तो अब आप क्या करना चाहते हो. तो मेरे लिए रियलिटी शो नो तो नहीं है, लेकिन मैं अब फिक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ योगा के साथ. मैं मामले की स्पीड जिला बहुत एकदम बेहतरीन और काफ़ी कंटेस्टेंट जाने गए हैं. किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा स्पीड जिला में? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग और डिफरेंट था. जैसे कि इन्होंने भी बोला, जो हम टीवी के सामने देखते हैं और टीवी के पीछे जो हम रियलिटी करते हैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. एंड वहाँ पर मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपको सच में पता भी नहीं चलता कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि इतना प्रेशर. फिर आपको अदर कंटेस्टेंट्स की बातें, बिचिंग, बहुत कुछ होता रहता है. आई वोंट से कि वो हार्ड या रफन थे, बिकॉज ऑलरेडी वो रोडीज़ के विनर थे. सो रन विजय का उनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ था. एंड इनफैक्ट बिग बॉस भी वो खुद के दम पे नहीं गए. आई से माय गाय वेंट टू बिग बॉस उनके खुद के दम पे. बट प्रिंस को सब कुछ बना बनाया मिला. एंड दैट टू हैपन इन स्प्लिट्स विला. अगर हम 10 कंटेस्टेंट साइड में खड़े तो प्रिंस वाज ऑलवेज गिवन अ स्पेशल प्रायोरिटी और स्पेस कि प्रिंस आप यहाँ बैठो वहाँ बैठो. प्रिंस ये शायद कैमरे में नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन ही वॉन्टेड टू क्विट द शो. रन विजय खुद गए और उन्हें उनके कारण पता नहीं क्या 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 बोला. फिर ही गॉट पेयर्ड अप विद अनोखी एंड एट दिन व्हाट हैपेंड, प्रिंस वाज द विनर. किस बेसिस पे विनर हुआ? करिश्मा, यस करिश्मा. लाइक हम दोनों एनिमी थे, बट बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर शो शी बिकेम रियली गुड फ्रेंड. आज के डेट में करिश्मा से मैं टच में हूँ. बाकी जब बॉम्बे और दिल्ली के हाँ ऑन ऑफ हाई हेलो हाई हेलो होते हैं. शो में करिश्मा को काफी टॉर्चर करते हुए नजर आए थे एंड लास्ट में, जबकि क्वीन बन गई थी. तो टॉर्चर वही मैं कह रही हूँ. शो में ना बहुत बड़ी कोई पार्शियलिटी बहुत थी. तो मैं और करिश्मा हम लोग वो टू दी बहुत टफ फाइटर टाइप्स थे. हम किसी के ना सगे थे ना कुछ नहीं थे. हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते. जब हम साथ में थे तो हम दोनों को टारगेट किया जाता. जब मैं निकल गई तो करिश्मा अकेली को टारगेट किया गया. नहीं, आय से मेले तो बायस थे. लाइक लड़कियों के सेंस में, लड़कों के सेंस में यस ही वॉज बायस. किस तरह से आपकी लाइफ रोल हो रही है, क्या क्या ड्रीम से आगे? सही, मैंने जैसे बोला कि मुझे फिक्शन करना है और मियाँ के ड्रीम्स हैं फिल्में करने की. तो हम दोनों अपने अपने करियर में लगे हुए और ऑफ कोर्स मेरा फॉरे जो है वो योगा है. तो मैं ये साथ साथ योगा की वर्कशॉप के बिना तो काम भी नहीं चलता है. योगा इज़ अ ब्रेथ टू माय लाइफ. तो वो चल रहा है और अपनी कोशिशें जारी हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, एक दूसरे को संभाला हुआ है. तो ऐसे मंजिल मिल जाएगी. बाकी देखते हैं, ऐसे कपल हम दोनों ट्राई कर रहे हैं कोई रियलिटी शो मिल जाए या कोई कोई भी डांस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, बिकॉज हम दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन डांसर हैं. सो वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट पब्लिक के लिए एज वेल. सपोज आपको योगा ऐसा कुछ सिचुएशन आए या सपोज कोई योगा और मैम के बीच किसको चूज करना, कैसे चूज करेंगे? फिर योगा मेरी सांस में है तो मैं डेफिनेटली मैम को चूज़ करूँगा. योगा भी कहीं नहीं जाएगा, मैं मैम को भी योगा सिखा रहा हूँ. तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि मैम और मेरे बीच योगा को चूज़ करना पड़े. हम दोनों सारे योगा करेंगे. कोई सर के नटखट सी यादें? नटखट सी यादें इनके जो लाइक रेस्ट के कुछ कर रहा है या फिर आप लाइक बड़े साड़ी साड़ी मूड में आके इनके जो पैम्पर करने का तरीका ना बड़ा फनी है. वो हमें रूम में होते हुए बता देते थे पब्लिकली नहीं, बट आई लाइक हिज नॉट इन नेचर. गलत बात बोलूँगा वो यू नो वी शुडन्ट बी जेंडर बायस की हर इंसान प्रोमिस्क्यूअस होता है. वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. आज की डेट में ना आप लड़के को 100% छूट गारंटी कर सकते हो ना लड़की को. तो उसको जेंडर बायस नहीं होना चाहिए.
यूथ की बात करें तो यूथ काफ़ी आजकल काफ़ी रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, काफ़ी जल्दी टूट जाता है उनके रिलेशनशिप, ऐसा क्या मतलब क्या कहना चाहिए? क्योंकि आज के यूथ में ना पेशेंस लेवल नहीं रह गया है और कम उम्र में वो बड़े हसीन सपने चुन लेते हैं। जब उनकी उम्र ये होती है कि करियर पे ध्यान दो तो उसी समय वो घर बसाने की बातें सोचने लग जाते हैं, तो जब उन सपनों का टकराव जब आपकी निजी ज़िंदगी से होता है और जब असलियत से होता है तो फिर आप धरातल पर होते हो, इसीलिए आप उन चीज़ों को वो हवाई के लिए रह जाते हैं बस बन के। अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए? उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप एक सफोकेटिंग रिलेशनशिप हो जाएगी और आप शायद 10 दिन 15 दिन एक महीने से ज़्यादा उसको निभा नहीं पाओगे। वो एक 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 ऐसी दहलीज होती है जिससे पूरी ज़िंदगी फिर ऊपर उठती है। अच्छा, एक कामयाब हस्बैंड से कामयाब बॉयफ्रेंड होने के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? कामयाब हस्बैंड या कामयाब बॉयफ्रेंड होने के लिए क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनको समझो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान दो और उन पर इतनी बंदिशें मत रखो कि वो एक एक पिंजड़े में कैद हुए पंछी जैसे हो जाएं। अगर उनकी कुछ तमन्ना है ज़िंदगी में करने की तो आप एज अ ट्रू पार्टनर उनकी ज़िंदगी में हेल्प करो। जैसे मैंने बोला, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी लगती है। ही गिव्स मी स्पेस, इज़ वेरी सपोर्टिव। वरना बाकी किसी को बोले, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स अगर कुछ भी हो, अगर वो बोलते मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उनके बॉयफ्रेंड्स के 36 कॉल, 36 क्वेश्चनर्स, माय गाइस ने मुझे बस इन्फॉर्म करना कि बेबी आई एम गोइंग देयर, इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इतने बजे तक आ जाऊँगी। एंड ही वोंट इवन डिस्टर्ब मी, बट ही जस्ट गोना आस्क मी कि बेबी हो गया, कैसे हुआ, नहीं हुआ। ही इज़ ऑलवेज रेडी एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। अंडरस्टैंडिंग लेवल आई एम द मेन द मेन थिंग। मैम आपकी इयररिंग्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस द क्रेडिट गोज टू आर स्टाइलिस्ट शेनी, शी ओनली चोज फॉर अस द जैकेट एंड दिस इयररिंग द एंटायर सेटअप। वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे के लिए क्या क्या प्लानिंग किया सर ने आपके साथ, आपको सरप्राइज देने के लिए? वो तो सर को पता होना चाहिए, जैसे मैंने इनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया, डेफिनेटली माय गाय मस्ट हैव प्लान आउट समथिंग, बट लेट इट बी सरप्राइज बिकॉज वी बोथ लव सरप्राइजेस। थोड़ा थोड़ा कुछ समथिंग स्पेशल। सर आपने कुछ प्लान? बस मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बट वो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कैमरे पे और माइक पे कि वो इनके जो भी चीज़ें हैं वो सब इनके फेवरेट कलर्स में। थैंक यू। इधर बार न रुक रहे एड़ा उड़ा हो गया क्या रे, बाइट चलेगी भी साथ में ले लेगा। ठीक है उसके बाद रुक Thank you.